हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे दो और नंबर सिस्टम की। तो देखिए, डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो देखिए, पहले हम लोग इसको लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है कि किसी भी नंबर सिस्टम का हमें नाम, उसका बेस और उसमें कौन कौन से डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जहाँ तक बात आती है, तो इसमें इसका बेस होता है 8, और इसमें जो हम डिजिट्स यूज़ करते हैं वो हम 0 से 7 तक। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी हम नंबर लेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, करोड़्स में हो, मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल इन डिजिट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, 0 से लेकर और 7 तक का। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे हमने कहा कि से फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, हमने कोई कोई नंबर आपको दिया 345, ये है किसमें है, ऑक्टल में। यहाँ पे 8 लिख देंगे मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, पोजीशन वैल्यू वही रहेगी, जैसे हम पावर, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले सेक्शन में 0, 1, 2, तो ये हो जाएगा 5 × 8⁻⁰। ठीक, ये हो जाएगा 4 × 8⁻⁰, और ये हो जाएगा 3 × 8⁻²। यानी ये एक तरह से हो गया 5 × 1, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1। ये हो जाएगा आपका 4 × 8, और ये हो जाएगा आपका 3 × 64। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 32, और ये हो जाएगा 3 × 4 = 2, ऐसे लगा 1, 3 × 6 = 18 और 1 = 19। इसको आप ऐड कर दीजिए, 5 × 2 = 7, 2 × 9 = 9, 9 × 3 = 12 = 2, ऐसे लगा 1, 1 और 1 = 2। तो ये आ जाएगा 229 किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो किसी भी नंबर को अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसमें जो पोजिशनल वैल्यू होती है, ठीक है, वो जैसे हमने डेसिमल के केस में देखा था, बाइनरी केस में देखा था, ऐसे ही ऑक्टल के केस में क्या होगा कि जैसे कोई भी नंबर, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने आपको ऑक्टल में नंबर दिया से 6, 3, 2, 4 और से 5, दिस इज इन ऑक्टल। तो जो पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू क्या होगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यानी इस पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी 8 × सॉरी, ये हो जाएगी, इसकी पोजीशन वैल्यू हो जाएगी 8⁻⁰। ठीक है, इसको मान लीजिए इरेज कर दीजिए, तो इसकी पोजीशन वैल्यू हो जाएगी 8⁻⁰। ठीक, इसकी पोजीशन वैल्यू हो जाएगी 8⁻⁰, इसकी 8⁻², इसकी 8⁻³, और इसकी 8⁴। यानी पोजीशन वैल्यू जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट 8 की पावर में चलेगी। और 8 की पावर में क्यों, क्योंकि 8 जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है। क्लियर? अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्टल नंबर की, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए हमने ऑक्टल में नंबर, आपको ऑक्टल में नंबर लिखा 1601 बेस 8। ठीक, अब इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगी, तो ये 1 कितना हो जाएगा, 1 × 8⁻⁰, फिर ये 0 हो जाएगा, 0 × 8⁻⁰। आप चाहे तो यहाँ पे पोजिशन वैल्यू लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, फिर ये 6 हो जाएगा, 6 × 8⁻² और फिर ये 1 हो जाएगा, 1 × 8⁻³। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 1। क्लियर? ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1 × 1,
वन इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा जीरो इंटू एट, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्सटी फोर, सिक्स इंटू सिक्सटी फोर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 384, 384। और इसको जब आप करेंगे 8 टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 512, तो ये हो जाएगा 512। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 2 6 1 7, 8 1 9, 5 3 8, 897 आ जाएगा, किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो किसी भी ऑक्टल, किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यों, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो हम लोगों का नंबर सिस्टम आज स्टडी करना है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक, ये तो इसका नंबर सिस्टम का नाम हो गया। इसका बेस कितना होता है, बेस होता है इसका 16, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है और जो थोड़ी सी डिफरेंट है कि डिजिट्स जो यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती है, देखिए जीरो से, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक, यहां तक तो यूज होगा एज इट इज, क्लियर। उसके बाद जो हम लोग अपने डेसिमल में नॉर्मली, इसके बाद क्या आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे नहीं रिप्रेजेंट होता है, यहां पे रिप्रेजेंट होता है 10 की जगह पे क्या लिखते हैं, ए, 11 की जगह पे बी, इसकी जगह सी, डी, ई और एफ। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जीरो से लेकर और नाइन तक की डिजिट, जीरो से नाइन तक की डिजिट या फिर ए बी सी डी ई एफ, ये केवल इनका हम यूज करेंगे, इसके अलावा और किसी भी डिजिट्स या किसी भी सिंबल का यूज नहीं करेंगे, क्लियर। अब बाकी चीजें जो इसमें पोजिशनल वैल्यू वगैरह जो होती है वो जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो उसी तरह से होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए हमने आपको वैल्यू दिया 2 0 b 3, और किस में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, और हमने कहा कि भाई इसकी डेसिमल वैल्यू निकाली है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो पोजिशनल वैल्यू कैसे हो जाएगा, 0 1 2 3, तो जैसे अभी तक हम लोग करते आए ये 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3 इंटू 16 की पावर 0, क्लियर। फिर ये b, तो b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहां से देखिए b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 11, ये हो जाएगा 11 इंटू 16 की पावर 1, फिर 0 इंटू 16 की पावर 2, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका 2 इंटू 16 की पावर 3, क्लियर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 11 इंटू 16, ये हो जाएगा 0 इंटू 16 का स्क्वायर कीजिए तो 256, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 16 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 4096, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 3, इसको कैलकुलेट कीजिए 11 टू 16 को 176, ये तो 0 ही आएगा मान लीजिए, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 8192, ठीक है। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 8371, किसमें आ जाएगा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो किसी भी नंबर को अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना होगा, क्लियर। अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, उसके बाद हम कन्वर्जन पे चलेंगे, क्योंकि कन्वर्जन देखिए इतने टाइप के होते हैं कि अगर आप उसको मेथड से नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है।
मान लीजिए एक और हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए हमने आपको दिया से कोई नंबर 1, 2, A, E, 5 किसमें, हेक्साडेसिमल में, और हमने कहा कि इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालिए, तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4 ठीक। तो ये हो जाएगा 5 × 16^0, फिर ये ई बराबर आप देखिए ए बी सी डी ई एफ में ई बराबर हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 × 16^1, फिर ए कितना हो जाएगा 10 × 16^2, फिर ये 2 ऐसे लिख दीजिए 2 × 16^3, और फिर ये 1 ऐसे लिख देंगे 1 × 16^4। तो जब इसको आप वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 5 × 1 ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14 × 16, ये हो जाएगा 10 × 16^2, 256, फिर ये हो जाएगा 2 × 16^3 कितना आएगा 4096, और ये हो जाएगा 1 × 16^4 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 65536 ठीक। इनको अच्छा फिर इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5, ये 14 × 16 हो जाएगा 224, फिर 10 × 256 हो जाएगा 2560, फिर ये हो जाएगा आपका 8192, और ये आ जाएगा आपका 65536। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो ऐड करने पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 76517 76, और ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अभी तक आप लोगों ने चारों तरह के नंबर सिस्टम, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको डेसिमल ठीक है, ऑक्टल, आज में हमने आपको सॉरी डेसिमल, डेसिमल के बाद हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बाइनरी, आज हमने बताया आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इनका जो बेसिक है हेक्साडेसिमल ठीक है, ये चारों नंबर सिस्टम के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात आती है कन्वर्जन की, कि अगर एक नंबर सिस्टम से हमको दूसरे नंबर सिस्टम में वैल्यूज को कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे ठीक है। तो देखिए जो कन्वर्जन होता है नंबर सिस्टम का वो डिफरेंट तरह के होते हैं, आज मैं आपको इसकी समरी दे दे रहा हूँ, फिर कमिंग लेक्चर्स में उसको वन बाई वन हम उसको पिक करेंगे ठीक है। तो जैसे आपने पहला से हमने यहाँ पे लिखा कन्वर्जन ठीक, अब पहले क्या है, पहले हमने कहा कि साहब डेसिमल टू, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ आप समझ जाइएगा, डी फॉर डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सेकंड डेसिमल टू ऑक्टल, थर्ड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ठीक। चूंकि इन तीनों का मेथड एक ही होगा इसलिए हम इसको साथ में लिखा है। अब इसका उल्टा ले लीजिए 4, 5, 6, देखिए इसको समझिएगा, इसको मैं जो है आपको समराइज कर रहा हूं, आप इस मेथड से करेंगे तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गया, अब इसका उल्टा आप ले लीजिए, हमने कहा बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है हमारा, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर आगे चलिए ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो देखिए इतने तरह के कन्वर्जन होते हैं ठीक है, जो आपके यूज के हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप समराइज करने के लिए आप क्या कीजिए, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि एक कैटेगरी को सॉल्व करने का एक ही मेथड होगा, तो उससे क्या होगा, जैसे हमने कहा मान लीजिए ये हमने आपसे कहा कि इसको हम ले लिया कैटेगरी 1
ठीक, ये हमारा अजम्पशन है, ये कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, ये मैं आपको सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाइड ढंग से आसानी से करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको हमने कैटेगरी वन ले लिया, इन तीनों को हमने डाल दिया कैटेगरी टू में, ठीक, इन दोनों को हमने डाल दिया कैटेगरी थ्री में, इन दोनों को डाल दिया कैटेगरी फोर में, और इसको चाहे अलग अलग कर लीजिए चाहे भाई साहब कर से कर ली, चलिए इसको हमने फाइव में डाला और इसको सिक्स में, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 12 तरह के कन्वर्जन थे आपके, ठीक है, वो समराइज होके रह गए 6 तरह में, 6 टाइप्स में, ठीक। और हर कैटेगरी, जैसे ही हमने कैटेगरी नंबर वन दिया है, फिर टू दिया है, फिर थ्री दिया है, फोर फाइव सिक्स, हर कैटेगरी को, जैसे इस कैटेगरी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो चाहे आप डेसिमल टू बाइनरी कीजिए, चाहे आप डेसिमल टू ऑक्टल कीजिए, चाहे आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कीजिए, तीनों को करने का सेम मेथड हम आपको बताएंगे, सेम मेथड। तो उससे क्या होगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही इन तीनों को करने का हम आपको एक मेथड बताएंगे, ठीक है, वन मेथड। फिर ऐसे ही इन दोनों को करने का वन मेथड। तो ऐसे करके आप 6 तरह के मेथड पढ़ेंगे तो आप ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन करने में, ऑल टाइप्स ऑफ कन्वर्जन आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको चारों तरह के नंबर सिस्टम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हो जाए। और अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है या कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।